बिहार शिक्षक भर्ती 2019-20-21 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों का PIL। डेढ़ साल भटकने के बाद पटना हाईकोर्ट से मिली अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे पटना हाईकोर्ट में उपस्थित, बड़ी सुनवाई हुई, क्या सुनवाई में निकल कर आया, ये सवाल आप आम अभ्यर्थियों का। ऐसे में बड़े सवाल का जवाब शिक्षा सुधार रोजगार आपको देगा। पटना हाईकोर्ट में आज हुई बड़ी सुनवाई, अपर मुख्य सचिव सशरीर रहे उपस्थित। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट में करीब आधे घंटे की बड़ी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया कि आगे चुनाव खत्म होते ही 12 दिसंबर के बाद के अगले सप्ताह में ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी। मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों के न होने के कारण बहाली प्रक्रिया अटक सकती है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों के बड़े PIL में बड़ी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया कि 12 दिसंबर के बाद इस पर एक व्यापक सुनवाई भी होगी पटना हाईकोर्ट में, और बहाली जब तक पूर्ण नहीं होगी ये केस समाप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि केस डिस्पोज करने का दबाव सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, पर अधिवक्ता ने अपनी तरफ से ये मुद्दा रखा कि जब केस है तब इतना विलम्ब हुआ, अगर ये केस समाप्त हो गया तो और न जाने कितना विलम्ब होगा। ऐसे में PIL का केस समाप्त नहीं हुआ है। अधिवक्ता से इस संबंध में हमने बातचीत की है, आपको बातचीत के अंत से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि सरकार शिक्षा विभाग का कहना था कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली है, सिर्फ नियुक्ति पत्र ही देना है। ऐसे में जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होगा हम अभ्यर्थियों को नियुक्त करेंगे। मुखिया पंचायत सचिव जैसे जनप्रतिनिधियों के न होने का हवाला दिया सरकार शिक्षा विभाग ने। चुनाव आयोग ने भी समर्थन किया कि अभी बहुत जगह चुनाव नहीं हुआ है, ऐसे में जब तक मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं हो आगे ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। सरकार शिक्षा विभाग ने ये कहते हुए केस को डिस्पोज करने के संबंध में अपील की, पर अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, जब केस है तब इतना विलम्ब, अगर ये केस समाप्त हो जाए तो आगे कितना विलम्ब होगा ये कह नहीं सकते। ऐसे में बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने तक केस समाप्त न किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने भी इस बात का समर्थन किया। ऐसे में 12 दिसंबर के बाद इस केस की तारीख आगे मुकर्रर होगी, पर 12 दिसंबर चुनाव के आखिरी तारीख के सप्ताह भर के भीतर इन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए, ऐसा आदेश पारित हुआ है। आइए आपको अधिवक्ता के इंटरव्यू से रूबरू कराते हैं। सर सुरेंद्र सर हैं और पटना हाईकोर्ट से ताजा अपडेट शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के। सर आज क्या हुआ पटना हाईकोर्ट में? आज सुनवाई हुई जी, तो सरकार के तरफ से ये कहा गया कि साहब हमारा सब चीज तैयार है, हमको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है जी। बट द डिफिकल्टी इज कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो पंचायत यूनिट को इशू करना है जिसके हेड मुखिया होते हैं जी, जी। और बहुत सारे पंचायत में अभी चूंकि इलेक्शन हो ही रहा है तो बहुत सारे पंचायत में तो मुखिया है ही नहीं है जी जी। तो ग्राम पंचायत का कंस्टिट्यूशन तक जो है हमको समय दे दिया जाए जी, और उसके बाद दो महीने का समय मांग रहे थे, 8 हफ्ता का जी। उस कंस्टिट्यूशन के बाद 2 महीने के अंदर हम कर देंगे जी। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, कुछ नहीं, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में रखा है कि 12 को लास्ट इलेक्शन है मुखिया का जी जी। 12 के बाद कंस्टिट्यूशन करके आप समूचा अपॉइंटमेंट करके हमको दीजिए, मतलब 12 के बाद अगले हफ्ते में, 12 दिसंबर के बाद अगले उस मतलब उसके हाँ उसके नेक्स्ट वीक में, हाँ उसके नेक्स्ट वीक में रहेगा जी, ठीक है ना जी। तो आप पेंडिंग रखा केस को, पेंडिंग रखा जी कि नहीं आप करके जब तक नहीं दीजिएगा तब तक ये केस पेंडिंग रहेगा जी जी जी। तो सर और कमीशन भी एग्री किया कि हमको कोई एतराज नहीं है जी, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन के साथ कम से कम मुखिया तो होना चाहिए, जिस यूनिट को करना है उसका हेड नहीं हो तो बहाली कौन करेगा जी जी। तो ये सही बात भी थी, हम लोग भी एग्री किए कि नहीं ठीक है तब कर दीजिए। सरकार की तरफ से सर जो ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं, और आप पिछले 2016 से एडवोकेट जनरल की तरफ से ये स्टेटमेंट आया जी, तो ये स्टेटमेंट जो बार बार आता है और सरकार नहीं हो पाता, ऐसे में आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया। नहीं नहीं आप तो होगा आप सुन लीजिए जी, आप तो ये जब तक नहीं होगा तो ये केस खत्म नहीं होने वाला, ये भी बता देते हैं। ये बहाली जब तक हाथ में नहीं मिलती है तब तक ये केस रहेगा, ये भी बता देते हैं। तो सर ये शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक के लिए जो आगे जो हो रही है, ये लोग यही चाह रहे थे कि इसको डिस्पोजल कर दीजिए हम कर देंगे जी। हमने कहा कि नहीं, जब पेंडिंग है तब तो ये हाल है जी, डिस्पोजल कर दीजिएगा तब तो ये कभी बहाली नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि यू आर राइट, इसको पेंडिंग रखा कि नहीं हम सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में रखते हैं जी, तब तक सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तब फिर करवाएंगे। सर ऐसे में आज पटना हाईकोर्ट में जो उच्च अधिकारी आने थे कौन कौन उपस्थित हुए?
ऐसा एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो हमको लगा एजुकेशन के थे, लेकिन कमीशन की तरफ से तो उनके वकील ही आए। जी 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 जी, कमीशन की तरफ से उनके आप एडवोकेट जनरल थे। जी तो ये बहस लगभग लगभग 20 मिनट के करीब में चली, आधा घंटा बहस में ये हुआ कि 12 दिसंबर के बाद अगले सप्ताह तक बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय दिया और हमसे बातचीत की। अभी आप अधिवक्ता को सुन रहे थे। साफ लफ्जों में पंचायत चुनाव ने बहाली प्रक्रिया का दामन नहीं छोड़ा है, ऐसे में कागजी रसगुल्ला बांटने वाले शिक्षा मंत्री पर उठे थे कई सवाल कि जब हाई कोर्ट का निर्देश था और चुनाव आयोग ने ये पूछा था कि क्या हाई कोर्ट का निर्देश है, इस पर शिक्षा विभाग ने ये बात चुनाव आयोग से क्यों छिपाई, इस पर भी हाई कोर्ट में बड़े सवाल उठ खड़े हुए थे। पर मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों के न होने के कारण आगे बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, इस पर करीब आधे घंटे की बड़ी बहस के बाद ये फैसला लिया गया कि 12 दिसंबर के बाद एक तारीख और पड़ेगी और 12 दिसंबर के बाद के पहले सप्ताह में बहाली प्रक्रिया पूर्ण की जाए शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की। अगर पंचायत चुनाव के बीच आगे नियुक्ति की बात निकल कर आती तो 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी बात होती, पर अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब पंचायत चुनाव तक नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं होगी। विभिन्न हलफनामों को देखने के बाद और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के पटना हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के बाद करीब आधे घंटे की बड़ी सुनवाई हुई और ये फैसला लिया गया कि 12 दिसंबर पंचायत चुनाव समाप्त होते ही इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। आपको बता दें कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया भी रुकी पड़ी है, इससे आगे सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया भी प्रभावित होगी जिसमें सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी है। ऐसे में आज ये कयास लगाया जा रहा था कि माननीय न्यायाधीश आगे इस पर बड़ा आदेश देंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, पर जैसा कि बड़ा सवाल उठकर ये खड़ा हुआ कि मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि पंचायत में नहीं है, ऐसे में उनके दस्तखत सहमति के बिना आगे बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 12 दिसंबर के बाद कब तक ये बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होती है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का बड़ा PIL था, एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से भी PIL आगे शिक्षा सुधार रोजगार आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें आप इन मेरिट अभ्यर्थियों की सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए। आप अभ्यर्थियों को हमने PIL के खूबियों से रूबरू कराया और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपने साफ देख लिया कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के केस में जो कि PIL का केस था कैसे बड़ी सुनवाई हुई और कैसे बड़े आदेश आए। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे आगे अपने PIL के केस को मजबूत करें। PIL के केस के टोकन के संबंध में अभी प्रक्रिया चल रही है और 1 से 2 दिन में आपको टोकन नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। आगे PIL के केस को मजबूत करें एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।